यहाँ पर पूछा गया है फिल्म डायरेक्टर जे महेंद्रन जी का देहांत हो गया है, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है फिल्म डायरेक्टर, अब किस लैंग्वेज के हैं ये आपसे पूछा गया है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी या यहाँ पर गढ़वाली, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए तमिल के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द गूगल इंडिया हेड हु हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, आपको गूगल इंडिया के हेड का नाम बताना है जिन्होंने अभी अपने रिसेंट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी रंजन जी ने। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है द फर्स्ट ऑफ इट्स न्यू जनरेशन डेटा रिले सैटेलाइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी, देखिए ओपन सिग्नल की बात की गई, सिग्नल की बात की गई, ओपन सिग्नल की बात की गई, हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G, यहाँ पर जो अभी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 50 जो लार्जेस्ट सिटीज हैं उसमें टॉप पर कौन सा है, आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा सिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है धनबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसरो ने अभी रिसेंट में लॉन्च किया है न्यूएस्ट सैटेलाइट जिसका नाम आपको बताना है, कहाँ पर इसे लॉन्च किया है, श्री हरिकोटा में लॉन्च स्टेशन, द स्पेस क्राफ्ट मीट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंसी टू द आर्म फोर्स इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द कंट्री, इस तरीके का ये पहला लाया गया है कंट्री में, तो जब भी कंट्री में फर्स्ट की बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा EMISAT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2019 इंडिया ओपन अ बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल कैटेगरी की बात की गई है, मेन सिंगल में किसने जीता है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है आंसर बी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर आईसीसी के जो एमडी एंड सीईओ हैं सिक्योरिटीज के उनका नाम पूछा गया है सब्सिडियरी ऑफ जो कि एक सब्सिडियरी पार्ट है आईसीसी बैंक का, तो यहाँ पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा बी विजय चंदूक जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू वर्ल्ड एंड डिलीवर 100 शिपयार्ड, तो इसमें से कौन सा है जो बन गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम इंडिया फर्स्ट शिपयार्ड, तो यहाँ पर है गार्डियन रिसर्च, गार्डियन रीच शिप होल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी आप सभी को मालूम है बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हुआ है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज पूछा गया है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ द फॉर्मर टू विल फंक्शन एज अ ब्रांचेस ऑफ यूओबी, अब जो दो बैंक हैं उन सभी की ब्रांचेस विजया बैंक देना बैंक की ब्रांचेस अब किसके लिए वर्क करेंगी, यूओबी के लिए, अब जो मर्जर हुआ है विल ऑल्सो रिसीव द मर्जर एंटिटी वुड ऑल्सो रिसीव फंड इन्फ्यूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से हमारा आंसर है ए 5042 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज डेवलप्ड इट्स लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन एशिया, आपको बताना है ये जो लाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है, ट्रेन स्टेशन इन जापान, तो ये जो लाया गया है किसके द्वारा, टेस्ला के द्वारा, TESLA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आरबीआई की स्थापना आप सभी को मालूम है आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को विद द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, एक्ट आया था 1934 का एक्ट था, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आरबीआई की हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत से लोग समझते हैं ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा नहीं जरूरी है, नहीं, जो हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में जुड़े हुए पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आरबीआई की हिस्ट्री भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना जो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 ये याद रखिएगा, रिकमेंड किसने किया था, हिल्टन यंग कमीशन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हिल्टन तो इसके अध्यक्ष थे, वैसे इसका जो नाम था वो है रॉयल कमीशन था, तो याद रखिएगा रॉयल कमीशन। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था 1935 में जब ये इस्टैब्लिश हुआ था, देन एट दैट टाइम इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर रखा गया था
आपका कोलकाता में 1937 में से शिफ्ट कर दिया गया परमानेंटली, और कहाँ पर है एट प्रेजेंट, मुंबई में, तो अब वहां पर इसे शिफ्ट कर दिया गया था। और एक और पॉइंट आपको जो माइंड में रखना है, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, इसके जो हेड का नाम मतलब कि गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, सर ऑस्बर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम, देन एट प्रेजेंट कौन है, कितने नंबर के हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सभी माइंड में रखने हैं। और कितनी कैपिटल के साथ ये लाया गया था, कैपिटल ऑफ 5 करोड़। ठीक है, तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना इम्पोर्टेंट हैं, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसका हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है आरबीआई का हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर आपको और बहुत से मिलेंगे कि जैसे कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर कब तक रहता है। मोस्टली ऑप्शन में लोग ये टिक कर देते हैं अप्रैल में क्लोजिंग हो रहा है, मार्च में क्लोजिंग हो रहा है, मई में स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये तो पूरे हमारा जो गवर्नमेंट का है, जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है, मगर आरबीआई का ये फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। अब आप लोगों को बताना है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। इसके अलावा बहुत सी करेंसी से रिलेटेड और आरबीआई की जो गवर्नर लिस्ट है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो उन सभी को आप अपडेट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक और आपका बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द एवरेज बेस रेट टू बी चार्ज फ्रॉम बोरो, जो बोरो किया जा रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी के द्वारा एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIS एट कितना परसेंट आपको बताना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल अप्रैल एंड जून। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 9.21%, ये रहा दिस वन। इसके बाद नेक्स्ट है मेन सिंगल जो कैटेगरी किसने जीता है किस ओपन में, मियामी ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था, ऑल्सो नोन एज मास्टर एनुअल टेनिस टूर्नामेंट, इसमें मेन सिंगल कैटेगरी किसने जीती है, तो यहाँ पर रोजर फेडरर हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है द वर्ल्ड का फर्स्ट फुली फ्लैग्ड 5G मोबाइल नेटवर्क, तो किस कंट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है इस तरीके का नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म फॉर म्यांमार, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है निकोलस, तो गिवन ऑप्शन में करेक्ट हमारा आंसर है ए।